दिल्ली में एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी है। लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के छात्र पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपका अपना छात्र संघ द्वारा दिल्ली के कॉलेजों के बाहर जाकर छात्रों से जात पात उन्मूलन को लेकर राय शुमारी कर उनके विचार लेने का प्रयास जारी है। मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में स्थित विवेकानंद कॉलेज के बाहर छात्र संघ की टीम छात्रों के साथ संवाद करने पहुंची थी। टोटल खबरें द्वारा छात्र संघ के इस छात्र संवाद कार्यक्रम को लगातार कवर किया जा रहा है और मौके पर मौजूद हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना वहां मौजूद छात्रों से भी बात कर उनके विचार लेते हैं। इसी बीच जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद छात्रा से बात की तो सुनिए छात्रा ने अपने विचार में क्या कहा, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आपकी अपनी पार्टी पीपल की छात्र विंग जो है कि इन दिनों दिल्ली के कॉलेजों के बाहर जाकर छात्रों से जाके संवाद करने में जुटी हुई है। फिलहाल जो है कि आपकी अपनी छात्र संघ की टीम जो है कि विवेक विहार में स्थित विवेकानंद महिला कॉलेज के बाहर पहुंची और यहां पर जो है कि छात्रों की चुनाव को लेकर भी गहमागहमी चल रही है और यहाँ पर छात्रों का यहाँ पर हमें थोड़ा कम देखने को मिला। छात्र सब अंदर हैं और चुनावी माहौल है क्योंकि डोसू के चुनाव चल रहे हैं और छात्र संघ की जो टीम यहाँ पर जो पहुंची संवाद करने के लिए यहाँ पर इन्हें जो है कम देखने को मिला है। तो हमने जो कुछ छात्रों से बात करी है उनका भी कहना है कि हाँ जो जात पात जो है कि समाप्त होना चाहिए क्योंकि जात पात को लेकर जो है कि आपका अपना छात्र संघ की जो मुहिम जो है चलाए हुए हैं पूरी दिल्ली में जो है, तो इसी मुहिम को जो कवर लगातार करते हुए जो है कि हम भी जगह जगह पहुँच रहे हैं ताकि मौके पर जाके पता लग सके कि छात्र इस बारे में क्या सोचते हैं कि जात पात होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो ज़्यादातर कहते हैं कि यहाँ समाप्त होना चाहिए और कई कहते हैं कि नहीं ये हमारी पहचान है, कोई लोग कहते हैं कि कानून बनना चाहिए, कोई छात्र कहते हैं कि कानून नहीं बनना चाहिए। सबके अपने अपने मतलब कि विचार देखने को हमें मिले हैं। इसका मकसद यही है कि मौके पर जो है ग्राउंड में जाकर जो है कि हम पता कर सके छात्र आखिर क्या सोचते हैं। तो आइए देखते हैं कि जिन छात्रा से हमने बात करी है उन्होंने जो है कि क्या कहा है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट। आपका नाम क्या? सोनी पांडे सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर। अच्छा, ये ना आपका अपना छात्र संघ जो है कह रहे अभी कास्टिज्म समाप्त हो जाना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? हाँ जी सर, होना चाहिए कास्टिज्म, बहुत लोग सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जात पात तो हमारी पहचान है, ऐसा क्यों? सर कास्टिज्म किसी की पहचान नहीं है, अगर पहचान है तो फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो सिस्टम में चल रहे हैं कि उनका बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ऐसे है कि लॉयल है उनका, तो फिर ऐसे वो भी पहचान में चल रहे हैं, उनको वो तो आगे बढ़ने को किसी को चांस नहीं देंगे। तो ये होना चाहिए कि सबको आगे बढ़ने का चांस मिले, ऐसा कोई रूल है। वैसे आप जात पात से जो है कि क्या आप कभी सुना है, आपने कभी किसी तरह से पीड़ित हुआ है या कैसे? सर मैंने सिर्फ मेरे स्कूल्स में देखा है, जैसे एसटी ओबीसी हो उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लोगों को नहीं मिलती। मैं तो सिक्स क्लास से इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं टीचर को तो बहुत बोलती हूँ तो वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं निकलते भी हैं। टेंथ क्लास में थी जब एक रूल्स भी निकला था आरक्षण का जर्नल को 50% का, तो वो सब भी था सर। हाँ जी सर बनना चाहिए, अगर एसटी ओबीसी ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा तो नहीं पर सबको इक्वल तो रख ही सकते हैं। तो यूथ कह रहे हैं कि ये तो भी आजकल कोई मानता नहीं है, इनको भी ये जात पात को लेकर तो कानून की भी जरूरत नहीं सर, मानना तो जहाँ भी गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह होता है वहाँ तो यही चलता है, मानने की नहीं है तो फिर ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह तो लग ही रहे, तो ये मानने जितना ही हुआ। तो आपको लगता है पूरी तरह खत्म होना चाहिए? हाँ जी सर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल होगी, इक्वालिटी में आएगी। जी सर, ऐसा कोई मैसेज आप यूथ को देना चाहें आप? सर बस यही कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल निकाल दे कि सब स्टूडेंट्स सर्टिफाइज हो, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही है, स्टूडेंट सर्टिफाइज रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो होना चाहिए कि सब इक्वालिटी में रहे स्टूडेंट्स, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन में, ये सारी अपॉर्चुनिटी मतलब आप सबको चाहते हैं कि इक्वल मतलब? जी बिल्कुल इक्वल रखे, यही मतलब आपकी मांग है? जी सर।